हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि जो आज फ्री सेशन आप लोगों ने रखा था, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसी में मैंने आपको प्रॉमिस भी किया कि जो मैंने सिखाई है स्ट्रेटजी, वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो लोग देंगे, हमारी टीम वहाँ पर हेल्प करेगी, जिससे कि आप हमारी बताई गई स्ट्रेटजी का एक रियल मज़ा, रियल फ़ायदा ले सकें और पैसे कमा सकें। और आपको पता चल सके कि भैया रियल हैंड होल्डिंग और रियल मेंटरशिप कैसे लोगों की लाइफ बदलती है। क्योंकि कहने को बताने को बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है या चीज़ें होती है, बट उसके बाद भी ट्रेडर कमा क्यों नहीं पा रहा है। तो इसीलिए सिखाया भी और हेल्प भी दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में भी ऐसे ही महीने में दो सेशन, जैसे एक अभी हुआ एक दूसरा, तो हर मंथ दो सेशन रखने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं ऐसे ही स्ट्रेटजी, हर मंथ कुछ स्ट्रेटजी हो, कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो, कुछ स्विंग की बात हो, हर मंथ लाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फिर से। वो लिंक टेलीग्राम में है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ स्टॉक मार्केट की न्यूज़ अपडेट मिलती है, जुड़ जाइएगा। और साथ में 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास। जीरो टू हीरो इसलिए क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी सीख सकते हैं। और हम आपको हिंदी में सिखाते हैं, क्लास हिंदी में होती है, मैं खुद से क्लास लेता हूँ, पूरा स्कूल की तरह सिस्टम डेवलप किया है। अब आपको कि स्कूल बार बार क्यों बोला जाता है, क्योंकि 10 दिन की क्लास है और 90 दिन की हैंड होल्डिंग है। 10 दिन की क्लास के बाद आपको जो एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, जब आप ट्रेड करने जाते हो तो आपको बहुत सारे हेल्प, बहुत सारे डाउट्स की नीड होती है, तो वो सब मिलता है। रिविजन सेशन मिलता है, BTST STBT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलती है, 5 और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलती है। उसके बाद 2% का ट्रेडिंग रूल जो HNI प्लेयर यूज़ करते हैं, जिससे कि वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, वो आपको मिलता है। हम आपको एक ट्रेडिंग जर्नल देते हैं एक्सेल सीट के फॉर्म में, जो सबसे यूनिक है, आपके पूरे ट्रेडिंग के नज़रिए को बदल देती है, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई। और साथ में आपका एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिससे ये पता चल सके खुद को आपको, आप कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं, क्लास से कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको 10 अप्रैल के क्लास में, जहां आप पैसा कमा सकेंगे। और साथ में जैसा कि खुद सेबी का डेटा कहता है 10 में 9 लोग लॉस में हैं, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए भी हमने आपको स्टॉक लेवल देना है, जिस स्टॉक लेवल से आप पैसा कमा सकेंगे। तो यानी हमने आपके कमाने का भी इंतज़ाम किया है, सिखाने का भी इंतज़ाम किया है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी इंतज़ाम किया है, मोटिवेशन का भी इंतज़ाम किया है, जिससे ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलेगी तो आप बिंदास 5 लॉट में भी ट्रेड करो, 2 लॉट में भी करो, कोई टेंशन नहीं होती है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से इसलिए सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज है कि किसी के लॉस में किसी का फायदा कैसे होता है, पता चलेगा विद डेटा प्रूफ। बट जो भी होगा क्विक नहीं होगा, ये सब 1 से 2 साल के टाइम फ्रेम में होगा, और अगर इतना सब्र है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उससे पहले एक सवाल कि क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे अमेरिका का डॉलर कमज़ोर हो रहा है, उस तरीके से इंडियन करेंसी के अच्छे दिन आने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस किस को लगता है इंडियन करेंसी के दिन अच्छे वाले आने वाले हैं। देखिए, अमेरिकी बैंकिंग जो संकट है, क्राइसिस है, वहाँ की इकोनॉमी को 100% हिला के रख दिया है, और ये इम्पैक्ट आज नहीं, धीरे धीरे दिखने वाला है, जिसके कारण आप लोग लगातार ले ऑफ अमेरिका में दिख रहे हो, क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ में आ चुका है कि भैया हालत ख़राब है, ले ऑफ, लोगों को नौकरी से निकालना जाना शुरू कर दिया गया है। सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लग गया है, सिग्नेचर बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक दिवालिया की कगार पर, 186 बैंक और भी रडार पे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे भैया बैंक अब उड़ना शुरू होंगे अमेरिका में, राइट, है ना। बट यहाँ पर है कि अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर इंडिया और एशिया मार्केट के लिए एक गुड सिग्नल है। एक्चुअली अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर के बाद इन्वेस्टर अब इंडियन और एशियन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अमेरिकी संकट से वो घबरा गए हैं और उनको लगता है भैया अब एशियन मार्केट ही अच्छा है, जहां हम अपने पैसे को लगाएं और पैसे को कमाएं, और वहां पर चाइना और जो इंडिया है, ऐसे मार्केट को वो बहुत बेहतर मान रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी इन्वेस्टर को डरा रही है, तो दूसरी तरफ बैंकिंग क्राइसिस इन्वेस्टर का मोह भंग कर रहा है, और इन सब के बीच निकल कर आ रहा है हमारा इंडिया, इंडिया और इंडिया।
यहाँ पर अमेरिका में जारी बैंकिंग सेक्टर के दौरान इन्वेस्टर अब पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं। जी हाँ, पैसा निकाल रहे हैं एज पर डेटा फैक्ट, और भरोसा कर रहे हैं इंडियन मार्केट पर। यहाँ पर एशिया मार्केट में अमेरिकी मार्केट के मुकाबले सख्ती भी कम है, ध्यान से सुनिएगा, सख्ती भी कम है। वहीं ज़्यादातर एशियन करेंसी डॉलर के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एशिया के मार्केट में तेज़ी दिख रही है। अगर डेटा को बताएं, मैंने कहा था ना डेटा फैक्ट, तो मार्च के चार हफ्ते में, हम अप्रैल के शुरुआत में हैं, मैं मार्च के चार हफ्ते की यानी पूरे मार्च की बात करूं, तो एशियन मार्केट में 5.5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि विकसित देशों से 8.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट निकाला गया है। यानी जितने भी बड़े दिग्गज कंट्री हैं वहाँ से पैसा निकला, और पैसा निकल के कहाँ आया, विकासशील एशिया में 5.5 अरब डॉलर। और यहाँ पर अमेरिकी मार्केट की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है पैसा लगाने में, और अमेरिका के मामले में या अमेरिका की जगह इंडियन मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर एशिया मार्केट की तुलना अमेरिका से करें तो अमेरिकन बैंकिंग इंडेक्स 10 मार्च से लेकर अब तक 10% तक गिर चुका है। वहीं पर जापान को छोड़कर बाकी एशियाई रीजन के फाइनेंशियल इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली है, यानी भरोसा बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, इन्वेस्टर को जो एशिया की रूल रेगुलेशन है इन्वेस्टमेंट की, उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि इजी गोइंग पॉलिसी है। एशियन मार्केट चाहता है कि बाहर के इन्वेस्टर आए, दैट्स द बिग रीज़न, इजी गोइंग पॉलिसी है। भारत समेत अन्य एशिया के कई देश उस इजी गोइंग पॉलिसी को और भी इजी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब वहां से लोग भागेंगे तो हमारी तरफ आएंगे, और आएंगे तो फ़ायदा हमारा है, तो किसी के दुख में किसी और का सुख चल रहा है। और यहाँ पर इसीलिए इंडियन मार्केट को बहुत बेहतर माना जा रहा है। अब डेटा फैक्ट से चीज़ों को तो समझ गए होंगे, इतना जान गए होंगे कि गुड न्यूज़ आने वाली है, बट गुड न्यूज़ तुरंत नहीं आती है, साइड इफ़ेक्ट के साथ आती है। अब आप कहेंगे ये कौन सा ड्रामा है। देखिए, अगर अमेरिका गिरा तो इंडिया भी गिरेगा, बट उतना नहीं गिरेगा। और अमेरिका चलेगा तो अमेरिका 1 रुपया चलेगा तो इंडिया 3 रुपया चलेगा। ये है फ़र्क, ये है साइड इफ़ेक्ट, जहाँ पर कहानी इसी तरीके से। और यही सब चीज़ जो इंटरनल चल रही है, जिसका डेटा मैंने शेयर किया, उनके अनुसार आया फिर एक बिग बॉम्ब ब्लास्ट न्यूज़। क्या? दो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने इंडियन मार्केट पर बुलिश रेटिंग दे दी, क्योंकि वो डेटा पढ़ चुके थे, वो डेटा को समझ चुके थे कि डेटा की कहानी चल रही है। और 3 दिन पहले गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए निफ्टी पर हम 15% अपसाइड का टारगेट देते हैं, यानी क्या होगा, निफ्टी यहाँ से 20,000 करीब करीब टू टच कर सकती है, करेक्ट। नए फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी है उनके मुनाफे में 15-17% का ग्रोथ दिख सकता है। तो इनका कहना है, ध्यान से सुनिएगा, अब पता है लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, अच्छा 20,000, अब बाकी कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ 20,000 सुन लिए वो खुश हो गए, बाकी कुछ नहीं सुनना है, और वहीं पर बम फूटता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि देखो, ऐसा हो सकता है, चीज़ें हैं, कोई चीज़ लगातार नहीं जाती है, यानी आने वाला साल दो साल का वक्त है की बात हो रही है, यानी अगर साल दो साल का वक्त हो तो न जाने कितनी बार मार्केट नीचे जाएगा, न जाने कितनी बार ऊपर आएगा। क्या हमने कभी ऐसा सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। दूसरा इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला, करेक्ट वैल्यूएशन वाले स्टॉक में खरीदारी का मौका है। करेक्ट यानी अंडर वैल्यू, क्योंकि अभी की इस गिरावट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं ना जो बुक वैल्यू के नीचे भी आ चुके हैं, और बुक वैल्यू के नीचे अगर कोई स्टॉक दमदार वाला आ जाए तो भैया वो तो बुल रैली में भागेगा ही भागेगा, कोई उसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कोई ऐसा स्टॉक अच्छा है जो आपकी नज़र में बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है? ध्यान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसी चीज़ में बताइए। और इसलिए मैं कहता हूँ, लर्निंग भैया अगर है ना तो पैसा कमेगा ही कमेगा, और लर्निंग नहीं है तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो इन सब की नज़र से जो बैंकिंग है, सीमेंट शेयर है, इंडस्ट्रियल शेयर है, यहाँ पर ये लोग इसको अच्छा मान रहे हैं। वहीं पर मॉर्गन स्टैनली ने भारत को इक्वल वेट पर अपग्रेड किया है, इकोनॉमी मजबूत है, सस्ता वैल्यूएशन, एक तो वैल्यूएशन आप गौर कर पा रहे हो, क्योंकि एक्चुअली चूस लिया गया है शेयर को बहुत अच्छे तरीके से। लोग क्या किए थे, टॉप पे जाके खरीदे थे, तभी तो टॉप पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, तेजी होती है ना, तो तेजी 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 तभी उनको समझ में आता है, तभी तो 46 लाख डीमेट अकाउंट बंद हो गए। 2022 वाला जो डेटा है उसमें क्या हुआ, जो नए लोग आए थे टॉप पे खरीद लिए, कुछ न जानना न समझना, किसी ने बस
कहा, वो बेचारा कोई भी ये नहीं कहता कि ये खरीद लो, वो पूरी बात बताना चाहता है, पूरी स्टोरी बताना चाहता है, उसके अंदर वैल्यूएशन की भी बात करता है। जैसे हम ही ने कल ट्राइडेंट की बनाई, या हमने आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई, तो सीधा स्ट्रेटजी नहीं बनाई, पूरी ऑप्शन ट्रेडिंग की हम क्या कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट करें। पहली वीडियो हमने क्या बनाई, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, पूरी वो 20-25 वीडियो की सीरीज चलेगी। तो उन पूरी चीज़ों को समझना है। वैसे ही जब हम कुछ बनाते हैं तो, या कोई बताता है, तो पूरी कहानी को सुनिए, समझिए, वैल्यूएशन को जानिए, तब जाके कुछ इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टॉक हैं उस पर ये अच्छा मानते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर के जो शेयर हैं उसको डार्क हॉर्स मानते हैं। तो यानी क्या है, ये सब चीज़ें रातों रात नहीं होगी, ये सबसे पहले समझ लीजिए। बट ये एक गुड न्यूज़ है। और सिंपल कहानी क्या है, अंडर वैल्यू स्टॉक पे नज़र डालिए। SIP मोड में अंडर वैल्यू अच्छे क्वालिटी स्टॉक पे धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। 3 to 5 ईयर्स में अच्छा पैसा बनेगा, मार्केट नीचे भी आ सकता है। ये सोच के इन्वेस्ट कीजिए कि भैया 25% भी नीचे आए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अब जो आ रहा है वो एक करेक्ट टाइम आ रहा है। आप लोगों ने 2022 में लिया, वो छज्जे पर चढ़ के लिया, 12वीं मंजिल पर, 15वीं मंजिल पर, जहाँ से गिरते हुए स्टॉक अभी 5वीं 6ठी मंजिल तक पहुँचा है। हो सकता है दूसरी या पहली मंजिल पर भी आ जाए, तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक करेक्ट वैल्यूएशन है। पिनी स्टॉक में पैसा ना डालें, एक साथ पैसा ना डालें, ओवर वैल्यू स्टॉक ना लें, मरे हुए स्टॉक ना लें। और इस कंडीशन में जहां आज मार्केट खड़ा है ना, वहां पर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें। आपके पोर्टफोलियो में क्या है, किस तरीके से आपने क्या गलती की, किस तरीके से महंगा शेयर खरीदा, अब वही शेयर घट के कैसे आ गया। जैसे कल ट्राइडेंट की वीडियो हमने बनाई, ट्राइडेंट की वीडियो हमने 4 महीने पहले भी बनाई थी और कल फिर बनाई, उसी पुराने के रेफर को लेते हुए हमने समझाया कि पिछली वीडियो में हमने बताया था स्टॉक कितना महंगा है, अब वहां से गिर के किस तरीके से करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ आया है। उस करेक्ट वैल्यूएशन पे इतना गिरने के बाद भी आज महंगा है। उससे पहले टाटा कंज्यूमर की वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, वहां टाटा कंज्यूमर में भी हमने बोला शेयर अच्छा है बट क्या है, महंगा है करेक्ट वैल्यूएशन पे। तो ये कई सारी चीजें हैं जहां पर जब हम इतना डिसीजन सोच समझ के लेते हैं तो हमें कभी तकलीफ नहीं होती और हमें पैसा बनता है। और अब हम चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर, चलिए चलते हैं मंडे के लिए बेहतरीन शेयर पर। उससे पहले बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कभी कभी यूट्यूब पर आप लेवल नहीं देते हैं, तो सर आप ही की डिमांड पर टेलीग्राम में हम मार्केट खुलने से पहले स्टॉक के लेवल देते, तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो सर ये मेरी गलती नहीं है, जुड़ जाइए। मेरा आप लोगों से वादा है, मेरा कमिटमेंट है, मैं खुद से दूंगा और उसी का प्रूफ है कि यहाँ पे देता हूँ। ये भले मैं कहता हूँ कि आप ये कम्युनिटी ज्वाइन करें, मैं सिर्फ उनको कहता हूँ जो एक सीरियस ट्रेडर हैं, सीरियस लर्नर हैं। जैसे आज हमारी क्लास ही 10 अप्रैल के बारे में बोलते हैं, हम सिर्फ उनको ज्वाइन करने बोलते हैं जो भैया आप ये चाहते हैं कि नहीं मेरे को पैसा कमाना है, अपनी खून पसीने की कमाई लेके आया हूँ, 1 लाख रुपये मैं कैसे डुबा दूँ। मैंने आप ही लोग कहते हो, मैं चारों तरफ सुन रहा हूँ कि मार्केट में लोग नुकसान में, तो ऐसे ट्रेडर जो समझते हैं कि मार्केट में बिना सीखे जैसे बिजनेस और धंधा नहीं होता है, वैसे ट्रेडिंग भी बिना सीखे नहीं होती, तो उनके लिए कहा जाता है कि आप कॉल करें और 10 अप्रैल की क्लास में स्वागत है। तो वहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों। तो यहाँ पर निफ्टी की कहानी ये है कि 17,650 इसका एक मेक और ब्रेक का लेवल है, जहाँ 17,650 के ऊपर चलता है बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो आप बाई कर सकते हैं, और वहाँ पर 17,810 के पास का नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। वहीं पर अगर उसके लेवल के ऊपर नहीं चलेगा, वहां से गिरेगा, तो आपको सेल कन्फर्मेशन भी देगा, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। और इसके लिए मैंने पूरी टेक्निकल एनालिसिस की फ्री टेक्निकल एनालिसिस बना रखी है, जो आपको पूरा हेल्प करेगी इस चीज़ में कि कैसे हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। यहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी पर आते हैं तो बैंक निफ्टी आपके सामने खुला है, बैंक निफ्टी अपने इस गैप को भरा है, ये गैप इसका रेसिस्टेंस लेवल है, तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे 41,275 यानी 325-350 रुपये का वैल्यू नहीं होता है, ये इसका प्योर मेक और ब्रेक लेवल है। पेपर में प्लीज़ नोट कर लें, आज मैं कुछ स्विंग वाले लेवल भी देने वाला हूँ, लेकिन अगर आप डायरी बनाएंगे, ट्रेडिंग जनरल बनाएंगे, जैसे मैंने कहा ना एक पूरी एक्सेल सीट हम इसमें देने वाले हैं जो ज्वाइन करते हैं ट्रेडिंग जनरल, जो आपके पूरे ट्रेडिंग को बदल देती है एक्सेल सीट के तौर पे, तो यही चीज़ें हैं जो सीख समझ के आती हैं। जहाँ पर रिलायंस में 2,355 इसका मेक और ब्रेक है, 2,355 के ऊपर चलता है बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो बाय, और नहीं चलता है वहाँ से सेल कन्फर्मेशन देता है तो सेल। वहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक हम डालते हैं तो वो है वरुण बेवरेजेस का, वरुण बेवरेजेस 1435 और 1475 के रेसिस्टेंस पे है।
यानी 1435 और 1475 क्रॉस करेगा, उसके ऊपर चलेगा तभी बाय है, वरना वहाँ से सेल देगा तो गिर सकता है, जैसा आपके सामने है। लोग सिर्फ थोड़ा सा ऊपर आए और एक्साइटमेंट में फंस गए, क्योंकि यही है ट्रैपिंग, यही है वो गेम जहाँ से कन्फर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी लाइफ बदल सकता है, आपके पूरे नज़रिए को बदल सकता है। जो बच्चे लोग हैं उनको लगता है अच्छा ये 1430 था, इसके ऊपर गया, बाय बनना चाहिए। नहीं, यही चीज़ जो होती है जब तक इसकी गहराई में नहीं जाते हैं, पूरा चीर फार नहीं करते कि भैया हुआ क्या, तब आपको पता चलता है नहीं, यहाँ पर तो गेम कुछ और था। वो गेम था पैसा कमाने का, और हम लोग सिर्फ बच्चों की तरह ऊपर गया नीचे गया में फंस जाते हैं। और यही वो चीज़ है जहाँ पर हम कहते हैं पैसा बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन से बनेगा। और ये एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आपके लिए डेफिनेटली आई होप कि एक गेम चेंजर का काम करे, एक नज़रिया बदलने का काम करे। नेक्स्ट टॉक है GNA Excel का, जो आई डोंट नो वाई खुलने में समय ले रहा है, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब भी मैं किसी चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं किसी चार्ट को बताता हूँ, तो प्लीज़ आप उस चार्ट को आगे के भविष्य के लिए भी अपने पास रखें। इससे क्या होगा, जब कोई दूसरे ऐसे स्टॉक आएंगे तो आपको लर्निंग मिलेगी। ये देखिए, एक टॉप था, गिरा, ये दूसरे टॉप से ब्रेकआउट हुआ, ये वापस रिट्रेस करने को आया, दैट मीन्स ये जो 770 780 के करीब का एरिया है, ये एक अच्छा एरिया है और ये एक मजबूत एरिया है। यानी ये मजबूत एरिया होल्ड करता है तो आप GNA में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देख सकते हो। उसके बाद IGL है, जहाँ पे गुड न्यूज़ के कारण IGL और MGL में तेज़ी हुई थी, तो IGL में एक ब्रेकआउट पे है, दैट्स द बिग रीजन। 450-452 इसका सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर अगर आता है बाइंग कन्फर्मेशन देता है तो यू कैन बाय, और 465 के ऊपर अगर चलता है तो बाइंग कन्फर्मेशन देने पर आप बाई कर सकते हो। उसके बाद मिंदा कॉर्प है, मिंदा कॉर्प के चार्ट में भी 3 दिन से तेजी हुई है, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या मिंदा कॉर्प 254-55 के ऊपर चल पाता है या नहीं, क्योंकि 254-55 के ऊपर चलना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रियल रेसिस्टेंस है जहाँ से काम हो सकता है, जो आपको मेक और ब्रेक के तौर पे देगा। तो ये है मेरी कोशिश, जहाँ पर मैं आपको दिल से सिखाना समझाना चाहता हूँ कि आप हमारे फ्री दिए लेवल से भी कमा सकते हैं, फ्री स्ट्रैटजी से भी कमा सकते हैं। बट सवाल ये है, जैसे ये ऑप्शन की फ्री सीरीज़ होगी, या आज मैंने जो फ्री स्ट्रैटजी दिया, जिसका मैंने कमिटमेंट किया कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हम हेल्प कर सकते हैं, तो सवाल है कितने लोग पागल हैं, राइट? और उससे भी ज़्यादा, हर रोज़ 5,000-10,000 का क्यों नुकसान करना है? खून पसीने की कमाई है, खून पसीने की मेहनत है। तो इन चीज़ों को समझिए, और एक सीरियस ट्रेडर की तरह स्वागत है 10 अप्रैल में, जहाँ पे मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक नई जर्नी की तरफ, जहाँ मैं बताऊँगा कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे एंट्री ली जाती है, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे टारगेट लगाया जाता है। क्लास आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक्स्ट्रा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सीख सकता है, सिंपल। वीडियो को बस लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, तो ऐसे ही फ्री स्ट्रेटजी और ऑप्शन की स्ट्रेटजी लाते रहेंगे। थैंक यू।